Hello everyone, now let's start with the same exercise, that is 1.1, and that is question number 1b says that draw the angles of the following measures and determine their quadrant. तो हमें कुछ measurement दिए हुए हैं, वो measures के लिए हमें क्या draw करना है, angle draw करना है, and then we have to determine their quadrant, मतलब वो angle कौन से quadrant में lie हो रहे हैं. Okay, now let's see the first angle, that is 140. यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है वो 140 के लिए है. ओके, नाउ वी आर 140, लेकिन वो क्या है, -140 है. सो अभी यहाँ पे हम लोग को क्वाड्रेंट ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले. सो लेट्स अंडरस्टैंड क्वाड्रेंट क्या होता है. ओके, दिस आर द एक्सिस, करेक्ट. ये होता है हम लोग का एक्सिस, ये होता है एक्स डैश, दिस इज वाई, दिस वन इज वाई डैश, एंड दिस इज द ओरिजिन, करेक्ट. सो हमें पता है ये जो होता है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, और इसमें जो एक्स और वाई होते हैं, ये दोनों भी एक्स एंड वाई दोनों भी कैसे होते हैं, हम लोग के पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं. ये होता है हम लोग का सेकेंड क्वाड्रेंट. ओके, और ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें जो एक्स और वाई होता है वो कैसे होता है, एक्स हम लोग का कैसे रहता है, नेगेटिव रहता है, लेकिन वाई हम लोग का क्या होता है, पॉजिटिव होता है. दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट वेयर एक्स एंड वाई कैसे होते हैं, एक्स विल बी इन नेगेटिव फॉर्म एंड वाई इज ऑल्सो इन अ नेगेटिव फॉर्म. लेकिन जो हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें जो हम लोग का x और y है वो कैसे रहेगा, x भी यहाँ पे पॉजिटिव में रहेगा, x तो यहाँ पे पॉजिटिव में ही रहेगा, लेकिन जो y है वो नेगेटिव में रहेगा. सो यू ऑल मस्ट बी नोइंग दिस पार्ट. ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों भी पॉजिटिव रहते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है लेकिन y पॉजिटिव में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों भी नेगेटिव में होते हैं. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों भी पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स हम लोग का पॉजिटिव होता है लेकिन वाई हम लोग का नेगेटिव होता है. इज इट क्लियर? नाउ योर द फर्स्ट मेजरमेंट विच इज गिवन इज -140 degree. तो ये 140 -140 के लिए हमें एंगल ड्रॉ करना है. ओके, और वो कौन सी क्वाड्रेंट में लाया होता है वो हमें डिटरमाइन करके बताना है. सो सबसे पहले हम लोगों ने देखा ये नेगेटिव फॉर्म में, तो जब भी कोई एंगल नेगेटिव है ऑफकोर्स इट इज़ गोइंग टू मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज क्लॉकवाइज जो एंगल मूव होते हैं वो नेगेटिव एंगल्स होते हैं, करेक्ट है. तो ये -140 यानी क्लॉकवाइज में होगा. ओके, अगर ये ऐसे होता तो ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये पॉजिटिव फॉर्म में रहता था. सो अभी ये ऐसे नीचे से ऐसे स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे ये नेगेटिव फॉर्म में है, इसके लिए यहाँ पे नीचे से ऐसे स्टार्ट होगा. सो योर द मेजरमेंट इज़ -140 degree ना. सो हमें यहाँ पे ऐसे नीचे से करना पड़ेगा, बिकॉज तभी तो ये ऐसे ये डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन. इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन. द आंसर इज the measure of the angle is -140 degree. So since because of minus sign we have to move in a clockwise direction, and here the measurement of the angle is 140. So of course ye jo first quadrant hai that is of 90 degree. Okay, the second one will be of 180 degree na, to 140 will be in this quadrant. Okay, so that is nothing but over here, correct. So this -140 is lying in which quadrant? It is lying in the third quadrant. Okay, so here we can see that in the final statement the given angle terminates in the third quadrant, because this is the first quadrant, this is the second, this one is the third now, and since because of minus the angle ka jo bhi direction hai wo clockwise mein मूव होगा. सो दैट्स द रीज़न हम लोग ने ये ऐसे नीचे से स्टार्ट किया, एंड ऑफकोर्स -140 मतलब वो यहाँ पे लाए होगा. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट सम. सो नाउ द नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ द एंगल इज 750. ओके, सो हमें पता है कि एक या एंड दिस एंगल इज़ इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये कुछ ऐसे क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में मूव होगा, करेक्ट है, यानी ऊपर से ऐसे मूव होगा बिकॉज ऑफ प्लस साइन. इसका जो डायरेक्शन होगा एंगल का वो एंटी क्लॉकवाइज होगा. सो हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे, तो जैसे ये यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो वो 360 बना रहा है, करेक्ट है. दिस इज़ 360,
अब यहाँ से 360 से वो और भी आगे जाएगा, ऐसे और एंगल क्रिएट करेगा। तो देखिए ये ऐसे क्रिएट करने के बाद वो यहाँ पे आ रहा है, दैट इज़ 720, बिकॉज एक बार जो रोटेशन किया वो यहाँ तक, एक बार रोटेशन 360 का हो गया, वापस वो और रोटेशन करेगा तो यहाँ पे सेकंड रोटेशन हो रहा है उसका रेवोल्यूशन, तो ये 720 इधर आके बना रहा है। बट द क्वेश्चन इज 750 का एंगल है ना ये, तो यहाँ तक 720 हो गया, अब और 30 बनाना है उसे तो वो और आगे जाएगा, तो ये बन गया हम लोग का यहाँ पे 750 डिग्री। इज इट क्लियर? सो इसके लिए जो अभी हमें देखना है कि ये जो कहाँ पे एंगल लाई हो रहा है, दिस एंगल इज़ लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सो ऑफकोर्स इसके लिए हम लोग लिखेंगे ऐसे, दी गिवन एंगल टर्मिनेट्स इन थर्ड। अब आपको यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनेट हो रहा है ना, तो आपको यहाँ पे लिखना ऐसे पड़ेगा, इट टर्मिनेट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ पे बाय मिस्टेक भी ये हो गया। ओके, सो इट टर्मिनेट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट सम। मैं जो मेजरमेंट गिवन है दैट इज -500 डिग्री। ओके, सो 500 डिग्री लेकिन नेगेटिव में, तो ऑफकोर्स हम लोग यहाँ पे क्लॉक वाइज यानी नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्लॉक वाइज उसका फ्लो रहेगा, बराबर है। तो देखिए 500 बोला है ना, -500, तो माइनस के वजह से हमें क्लॉक वाइज मूव करना है, तो हम लोग ऐसे नीचे से स्टार्ट करेंगे। सो एक रोटेशन बना दिया यहाँ तक 360, बराबर है। अब 360 तो बन गया, पर उसके आगे हमें और कितना बनाना पड़ेगा, 500 तक लेके जाना है। तो 360 से अगर हम लोग यहाँ तक आते हैं, ओके, 360 इधर तक था, अब ये एक क्वाड्रेंट आ गया, मतलब 90 का हो गया, बराबर है। तो 360 में अगर हम लोग 90 और देखें तो यहाँ तक आपका बन जाएगा ये कुछ 450, यहाँ तक 450 यहाँ तक बन गया। अब ये 450 से यहाँ तक और हमें 50 करना पड़ेगा, तभी जाके ये -500 बन गया। आई रिपीट वन मोर टाइम, 500 के लिए पहले तो हमें एक पूरा रोटेशन लेना पड़ेगा यहाँ तक, ताकि वो 360 बना दे। अब 360 यहाँ तक हम लोग का बन ही गया, बराबर है। अब 360 के आगे मुझे ये 90 करना पड़ेगा। ओके, तो 360 के आगे जब मैं ये 90 करूँ तो ये यहाँ तक आएगा, तो ये बन जाएगा आपका कितना, 450। 450 में और मुझे 50 करना पड़ेगा, तभी जाके तो 500 बनेगा। तो यहाँ पे आके वो 50 और बना रहा है एक्स्ट्रा ये पार्ट, तो यहाँ पे बन गया ये टोटल मेजरमेंट -500। ओके, सो इसके लिए भी हमें अभी फाइनल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, दी गिवन एंगल टर्मिनेट्स इन, अब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, टर्मिनेट्स इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर? लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट सम इज ऑफ मेजरमेंट -820 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं माइनस साइन है, तो जो भी रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज होने वाला है यानी नीचे से, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो एक पूरा रोटेशन बन गया 360, और एक हम लोग पूरा रोटेशन यहाँ तक बना देंगे तो बन गया 720, बराबर है। अब 720 में हम लोग यहाँ तक एक क्वाड्रेंट घूमेंगे, तो वो 720 में आप प्लस 90 कर लो, 720 में आप प्लस 90 करोगे तो ये बराबर कितना बन जाएगा, यहाँ पे 810 तक बनेगा, ये 810 होगा। 810 में और 10 हमें मूव करना पड़ेगा एंगल, तभी जाके तो -820 बनेगा, तो ये बन गया। अब ये जो टर्मिनेट हो रहा है एंगल, ये कौन से क्वाड्रेंट में टर्मिनेट हो रहा है, दिस इज़ अगेन इन द थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकेंड, दिस वन इज़ द थर्ड एंड दिस इज़ द फोर्थ। तो ये एंगल जो टर्मिनेट हो रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो रहा है। सो वी हैव टू राइट द फाइनल स्टेटमेंट फॉर दिस। सो योर विल राइट द गिवन एंगल टर्मिनेट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर? तो अगर आपके मेजरमेंट में माइनस से है तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे ऐसे क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा नीचे से। अगर आपका कुछ पॉजिटिव फॉर्म में आंसर है तो आपको कुछ ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगर नेगेटिव है तो हमें क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा।